बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है ये है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। मेरे बेटा, जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की, तो प्लांट्स एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि चूंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी बॉडी से बनने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करवाने की सलाहियत रखते हैं। साइड बाय साइड ये बात भी जहन में रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर अगर ये वेस्ट मटेरियल स्टोर भी हो जाएं तो प्लांट्स को इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि प्लांट्स के पास किसी भी तरह की क्लोज सर्कुलेशन मौजूद नहीं होती। जब क्लोज सर्कुलेशन मौजूद नहीं होगी तो इससे क्या होगा कि अगर किसी भी ऑर्गन में वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाएगा तो वो उससे प्लांट की जो पूरी बॉडी है वो अफेक्ट नहीं होगी। देखिएगा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स प्लांट्स ऑल्सो हैव अ मैकेनिज्म टू एलिमिनेट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लाइक एनिमल्स, एनिमल्स के पास तो बाकायदा तौर पर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। जैसा कि हम बात करते हैं अपने किडनीज की, तो हमारे पास बाकायदा तौर पर किडनीज मौजूद होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्लांट्स के पास कोई एज सच किसी भी किस्म का स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते। लिहाजा प्लांट क्या करता है, अपने वाइटल ऑर्गन्स के अंदर ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करवा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लांट्स हैव अ लेसर अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एज दे हैव लोअर लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देन एज कम्पेयर टू एनिमल्स। इससे बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखिएगा, सबसे पहले एक्सक्रीशन जो होगी वो स्टोमेटा की मदद से होगी। अब कैसे होगी, इससे कौन सी चीज़ रिलीज होगी, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट इससे अगले पॉइंट में। अगली बात आ जाती है हाइड्रोथोड्स की, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट वुड की, एब्सिजन ऑफ लीफ की। और इसके अलावा एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, बाज़ औक़ात ये अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवा सकते हैं। इसको अगर मैं बहुत आसानी से समझाऊं तो यहाँ पर एक्सक्रीशन थ्रू फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन है, हम पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स की बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम की बात करेंगे, और उसके बाद हम एक्सक्रीशन थ्रू रूट्स की बात करेंगे। बहुत आसानी से मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। देखिएगा, इससे बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीशन थ्रू स्टोमेटा। पॉइंट टू बी नोटेड, स्टोमेटा जो होते हैं ये लीफ के अंदर मौजूद होते हैं। स्टोमेटा के थ्रू जो रिलीज होती है चीज़, वो या तो गैसेस होती हैं या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक्सक्रीशन थ्रू स्टोमेटा, तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ से हम बात करेंगे कि स्टोमेटा के से जो चीज़ रिलीज हो रही है उसमें गैशियस एक्सचेंज और वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। सो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एक्सक्रीशन, वेस्ट ऑफ द रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट, सम मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन, हम ये बाद में बात करते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा बाकायदा तौर पर इसके पास ये कवर्ड सी शेप्ड, देख लीजिएगा, बीन शेप्ड सेल्स मौजूद होते हैं, और इसके इन बीन शेप्ड सेल्स को नाम दिया जाता है गार्ड सेल्स का। ये जब गार्ड सेल्स ड्यू टू द एक्सेस वाटर कंसंट्रेशन टर्जिड हो जाते हैं तो ये दरमियान से एक ओपनिंग ओपन हो जाती है, और इस ओपनिंग को नाम दिया जाता है स्टोमेटा का। पॉइंट टू बी नोटेड, प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके नतीजे में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, पर रिमेंबर दैट कि उसके नतीजे में ये ऑक्सीजन एटम जो है ये भी रिलीज होता है। जब ये ऑक्सीजन एटम रिलीज होगा तो ऑक्सीजन एटम के रिलीज होने की वजह से, अब ये ऑक्सीजन जब यहाँ से रिलीज होगी तो ये इसका जो रिलीज होना है ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी, और ये रिलीज किसके थ्रू होगी, ये स्टोमेटा के थ्रू होगी। इससे क्या बात साबित हुई कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाली ऑक्सीजन जो है वो बाकायदा तौर पर स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज होती है। सेम केस जब फोटोसिंथेसिस के बाद रिस्पायरेशन होती है तो रिस्पायरेशन के नतीजे में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होती है, ये यहाँ से रिलीज होती है। ये जब यहां से रिलीज होगी तो ये भी किसके थ्रू रिलीज होगी, थ्रू स्टोमेटा। देख लीजिएगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रेटेड बाय द डिफ्यूजन इनटू द
एयर। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन का। पॉइंट टू बी नोटेड, इन दोनों का एक और बाय प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का भी और रेस्पायरेशन का भी एक और बाय प्रोडक्ट है, जिसका नाम है वाटर। तो याद रखिएगा, एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी से जब रिलीज होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स रिलीज होता है, वाटर वेपर्स, पानी के छोटे कतरों की फॉर्म में रिलीज होता है, डिफ्यूज इन टू द एयर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू ये बॉडी से रिलीज हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, तो यहाँ पर हमने जो डिस्कशन की है वो एक्सक्रीशन थ्रू स्टोमेटा की बात की है, यानी फोटोसिंथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में और रेस्पायरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आपकी बुक में भी ये जो पॉइंट दिया गया है ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के एतबार से ही दिया गया है। इसके बाद इससे अगला जो पॉइंट दिया गया है वो एक्सक्रीशन इन लीफ की बात की गई है। पहले हम स्टोमेटा की बात करते हैं। एक्सक्रीट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन एंड रेस्पायरेटरी बाय प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वाटर भी स्टोमेटा से ही रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा से और ऑक्सीजन भी स्टोमेटा से रिलीज होगी। बट याद रखिएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, जबकि वाटर रिलीज होगा वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब ये देख लीजिएगा, ये आपके सामने डायग्राम है कि प्लांट्स ने बकायदा तौर पर वाटर को अपनी सरफेस से रिलीज करवाया है। इसके बाद देख लीजिएगा, हम अगली बात करेंगे हाइड्रोथोड्स की। लेकिन हाइड्रोथोड्स की बात हम जब बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स की, तो ज़ीरोफाइट्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ज़ीरोफाइट के प्लांट्स अपने अंदर वाटर को स्टोर करवा लेते हैं। और ये जब रात का टाइम होता है तो रात के टाइम में ये स्टोर्ड वाटर को अपनी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स बाहर निकालते हैं। ये जो वाटर के वाटर स्टोरेज ग्लैंड्स होते हैं, इनको थोड़ का नाम दिया जाता है। इसी चैप्टर में इसका डिस्कशन, इस पॉइंट की डिस्कशन की गई है। लेकिन मेरा बेटा, इस चैप्टर, इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है, लिहाजा हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोथोड्स। एक्सेस वाटर इज लिबरेटेड थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द लीफ एज सर्टन श्रब्स एंड ग्रासेस वगैरह में। अगली बात आ जाती है, ये देख लीजिएगा, ये आपके सामने लकड़ी है, इसका मतलब स्टेम के अंदर से एक्सक्रीशन कैसे होती है। मेरा बेटा याद रखिएगा कि स्टेम के अंदर एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो एट द सेंटर ऑफ द प्लांट स्टेम, यहाँ पर ये जो ब्लैक वुड है, इस ब्लैक वुड जिसको हम हार्ट वुड कहते हैं, इस हार्ट वुड के अंदर स्टोर हो जाती है। याद रखिएगा, हार्ट वुड जो है ये कंटेन कर रहा होता है अपने पास ओल्डर जाइलम एंड फ्लोएम को, ओल्डर जाइलम, पुराने जाइलम और फ्लोएम को। सो पॉइंट टू बी नोटेड मेरा बेटा, सैप वुड वो होती है जो एक्टिव वुड होती है, जिसमें सेल्स मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं। लेकिन हार्ट वुड वो होती है जहां पर सेल्स मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहे होते, ये डेड या ओल्डर जाइलम एंड फ्लोएम्स होते हैं, जहां पर प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को इनटू द स्टेम स्टोर करवाता है। तो ये भी प्लांट की एक अडेप्टेशन है कि प्लांट अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करवाने के लिए अपने स्टेम के अंदर मौजूद ओल्ड जाइलम और फ्लोएम का इस्तेमाल करता है। और इसकी वजह से इसका ये जो ओल्डर जाइलम और फ्लोएम का सेल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम नाम देते हैं हार्ट वुड का। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ओल्डर जाइलम एंड फ्लोएम्स में प्लांट्स जो हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर करवाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट वुड। देखिएगा, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्युमुलेटेड इन ओल्डर जाइलम एंड जाइलम सेल्स एंड फ्लोएम सेल्स सीन एट द सेंटर प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट वुड। होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एब्सिशन ऑफ लीफ। आप इस एब्सिशन को छोड़ दीजिए, हमने लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था कि जो एब्सिशन का मतलब होता है पत्तों का झड़ जाना। तो याद रखिएगा, आपने भी देखा होगा ड्यूरिंग ऑटम सीजन पत्ते जो होते हैं ये झड़ जाते हैं। वो झड़ते क्यों हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लांट की। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है, इस कैरेक्टरिस्टिक को नाम दिया जाता है, इस प्रॉपर्टी को नाम, इसको एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, व्हेन लीव्स आर अबाउट टू फॉल, गिरने वाले होते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑल यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम देम। प्लांट उन लीव्स में से तमाम के तमाम यूजफुल प्रोडक्ट्स को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेता है। अब देखिएगा, जब प्लांट के लीव जो होते हैं उसमें से यूजफुल प्रोडक्ट सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि ऐसी सिचुएशन के अंदर प्लांट्स जो हैं उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। जब वेस्ट प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर प्लांट्स के लीव जो होते हैं ये नॉर्मल लीव की निस्बत हैवियर हो जाते हैं। इसी तरह से मेरा बेटा, जब तेज़ हवाएं ड्यूरिंग ऑटम सीजन में चलती हैं, तो ये जो हैवी लीफ होते हैं फॉल कर जाते हैं। इसकी एक और भी रीज़न होती है,
वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फॉलिंग लीव्स कंटेन ओनली द वेस्ट मटेरियल, पॉइंट टू बी नोटेड। मेरा बेटा ये जो फॉलिंग लीफ होते हैं अगर आप इनको ऑब्जर्व करें तो ये आमतौर पर येलोइश कलर के होते हैं, पीले रंग के पत्ते होते हैं। मेरा बेटा ये पीले रंग के पत्ते क्यों होते हैं, इसकी एक प्रॉपर जिस्त है, मतलब इसका एक प्रॉपर इसकी प्रॉपर एक रीजन है और वो रीजन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट के अंदर मौजूद, सेल्स के अंदर मौजूद होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो उस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के अंदर होता क्या है कि जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो उस प्लांट के लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होना शुरू हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर प्लांट के जो वैक्यूल है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से, वेस्ट प्रोडक्ट्स की ज़्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से वो जो वैक्यूल होता है इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बकायदा तौर पर क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो वैक्यूल की वॉल को डैमेज कर सकती है। लिहाजा अगर तो वैक्यूल की वॉल डैमेज हो गई तो वो सेल डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल की सेल वॉल डैमेज होने की वजह से साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाएगा और अल्टीमेटली सेल को डेड करवा देगा। लेकिन याद रखिएगा कि वेस्ट प्रोडक्ट्स वैक्यूल के अंदर जितनी ज़्यादा तादाद में बढ़ते जाएंगे अल्टीमेटली उस सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, और एट द एंड ऑफ द ईयर लीव्स जो होते हैं उनका मेजर पोर्शन वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करवा चुका होता है। लिहाजा ये देखिएगा इसके अंदर डायग्राम के अंदर ये सारे के सारे जो पीले पत्ते दिखाए जा रहे हैं, ये पीले पत्ते ऐसे पत्ते हैं, ये याद रखिएगा, आपकी बुक भी लिख रही है कि इन पत्तों के झड़ने को हम एक स्पेसिफिक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम होता है एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर प्लांट्स जो होते हैं ये अपने लीफ को, पत्तों को झाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, और ये पत्ते जो होते हैं ये पीले होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, हमारी बुक लिख रही है कि जो पत्ते पीले होते हैं ये कभी भी क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से नहीं होते, बल्कि लीफ के अंदर मौजूद जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर हाई कंसंट्रेशन में मेटल आयंस की एक्यूमुलेशन की वजह से, ये मेटल आयंस यानी धातुओं के इकट्ठे हो जाने की वजह से ये पत्ते जो होते हैं ये पीला होना शुरू हो जाते हैं, और इनके अंदर से यूजफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्लांट से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ऐसी सूरत हाल में जब पत्ता पीला हो जाता है तो मेरा बेटा दरख्त जो होते हैं वो इनको फेंक देते हैं। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है एब्सिशन ऑफ लीव्स का। तो लीफ पत्तों का जड़ जाना पतझड़ के मौसम में, इसको नाम दिया जाता है किसका, एक्सक्रीशन, इसको नाम दिया जाता है एक्सक्रीटोफोर का। नेक्स्ट देखिएगा, लीफ एब्सेशन, ये देख सकते हैं आप कि ये पीले सारे पत्ते हैं, ये एब्सेशन के लिए यहां पर तमाम के तमाम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जब उनकी कंसंट्रेशन लीफ में इंक्रीज हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये पीले पत्ते को यहाँ से प्लांट फॉल करवा देगा। सो यहाँ तक हम तीन बातें देख चुके हैं। अगली बात हम देखते हैं कि हमने इन सारे पॉइंट्स में क्या सीखा। इससे मैं इसके अलावा एक और पार्ट आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि सम ट्रीज डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल्स इन देयर ब्रांचेस एंड ट्रंक स्पेशली इन द ओन जाइलम, वो मैंने आपसे हार्टवुड की बात कर ली है। एबोनी को कहा जाता है वो जो ब्लैक वुड, जैसा कि यहां पर दिखाया जा रहा है, इस ब्लैक वुड चूंकि ब्लैक होती है इसीलिए इसको नाम दिया जाता है एबोनी का। तो इबोनी प्रोड्यूसेस वेरी डार्क ब्लैक नॉन कंडक्टिंग वुड इन द सेंटर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो होती है मेरा बेटा वो एक्टिव मौजूद नहीं होती बल्कि ओल्डर और डेड होती है। कंसीडर टू बी द वेस्ट मटेरियल बाय द प्लांट्स, फिजियोलॉजिस्ट के प्लांट कंसीडर करते हैं कि इस ओल्ड जाइलम और फ्लोएम में क्या चीज़ मौजूद है, वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है कि कुछ प्लांट्स अपने, जैसा कि वेरियस जो कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं, कॉनिफर्स ये देखिएगा ये मैंने लिखा हुआ है, ये जो कॉनिफर प्लांट्स होते हैं ये मैंने उसकी डायग्राम भी शो की हुई है, पर बेटा इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो रूट्स होती हैं ये अपने अंदर सर्टेन केमिकल्स को, अपने अंदर से सर्टेन केमिकल्स को सराउंडिंग में सिक्रीट करवाती हैं। अब ये जब सिक्रीट करवाएगी तो उसकी वजह से होगा क्या, ये जो सिक्रीट करने वाला मादा है ये होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये उन प्लांट्स के लिए एज अ केमिकल वेपन, यानी कि केमिकल वेपन के तौर पर एक्ट करेगा और यहां पर किसी दूसरे प्लांट को उगने नहीं देगा। देखिएगा, सम प्लांट्स एक्टिवली सिक्रीट वेस्ट कंपाउंड्स इनटू द सॉइल यूजिंग देम एज अ केमिकल वेपन्स।
अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट्स। याद रखिएगा, दूसरे प्लांट जो इसी सॉइल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, तो ये प्लांट जो होंगे ये इसको इसके अगेंस्ट एज अ केमिकल वेपन के तौर पर एक्ट करेगा और दूसरे प्लांट्स को यहाँ पर ग्रो करने नहीं देगा। तो याद रखिएगा, आज जो हमने बातें की हैं वो हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन की बात की है, उसके बाद हमने एक्सक्रीशन थ्रू द लीव्स की बात किया, जिसमें हमने एक्सक्रीटो फोर को देखा है जिसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने बात की है स्टेम की, स्टेम के बाद हमने बात की है इबोनीम की, और उसके बाद हमने रूट्स की बात किया। थैंक यू सो मच।